हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ब्रांड न्यू स्ट्रीमिंग माइक जो हमने अमेज़न से मंगवाया है और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। बहुत टाइम से सोच रहा था मैं ये वाला माइक लेने का, बट मैंने हेडसेट लिया था रेडियर का, तो उसके साथ माइक था ऑलरेडी, तो मैंने सोचा था उसको यूज करते का कुछ टाइम तक, तो मैंने नया माइक नहीं लिया। बट रिसेंटली मेरा डिफॉल्ट सेटिंग चेंज हो गई और एक दिन मैंने स्ट्रीम चालू करी और गेम खेलने बैठ गया और मेरा जो वेबकैम का माइक है वो बाय डिफॉल्ट ऑन हो गया और वो माइक से मेरी सारी ऑडियो जा रही थी मेरे टीममेट्स को, तो मुझे बहुत सारा गालियाँ पड़ी। और उसके बाद मैंने सोच लिया चलो वैसे भी मुझे माइक लेना ही है, तो मैंने फाइनली उसको ऑर्डर किया और ये आ गया है इस तरीके से। तो फर्स्ट फटाफट से हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से बोल रहा हूँ, ये क्या पैकिंग है, ये देखो ये क्या मतलब है, रुको पहले खोलते देखते फिर देखते क्या सीन है। ये तो फाइनल मैंने बॉक्स को तो अभी फाड़ दिया है और अब इसके अंदर भी एक बॉक्स है जो है ये वाला। इसके अंदर और कुछ है नहीं, तो इसको चलो, अरे ये भी गिर गया। ये हमारा अमेज़न का बिल जो बाद में देख लेंगे, कोई फायदा नहीं है उसका। उसके बाद कुछ इस तरीके से इसका बॉक्स मिला है अपने को और मैंने व्हाइट लिया है, तो फटाफट से इसको भी अनबॉक्स करते हैं। पूरा सील वगैरह पैक तो है, बट ऐसा लग रहा है मेरे को ये थोड़ा सा पुराना बॉक्स है, देख लो एक बार, लग रहा है ना थोड़ा सा यहाँ पे दाग धब्बे है। बट लेट्स सी, क्या माइक भी पुराना निकलेगा, क्या लगता है तुम लोग को? तो इसका भी हमने सील ब्रेक तो कर लिया, अब खोल के देखते हैं क्या क्या चीजें आती है इसके अंदर। सबसे पहली चीज इसके अंदर मिली है अपने को ये क्या है, HyperX has you covered। भाई इसका तो कुछ फायदा है नहीं, चलो इसको ऐसा डाल लेते साइड में। यार इतनी महंगी महंगी चीजें दिखा के फिर ये लोग ऐसा बुरा फील करवा दे, यार ये क्या है, सिर्फ माइक दिखाओ ना, इतना क्या है, कीबोर्ड, हेडसेट, दो दो हेडसेट, माउस, पता नहीं कंट्रोलर क्या क्या दिखा रहे। नहीं नहीं साइड में रहो तू, ये क्या है, कच्चा चिट्टा, ठीक है इसको भी साइड में रखते हैं। ये क्या है, स्टार्ट गाइड है भाई, ये स्टार्ट गाइड हमको बाद में यूज आएगी, तो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है अभी देखते इसके अंदर आगे क्या है। भाई पैकिंग तो मस्त है, देखो पूरा बॉक्स खाली हो गया है, इसको रखते हैं साइड में, अपने पास सिर्फ इतना चीज आई है। अभी इसको करते हैं अनबॉक्स, होपफुली मैं दिख रहा हूँ पूरा और मेरा शॉर्ट्स नहीं दिख रहा होगा। अरे कितना टाइट है ये, कहां से खुलने का है, इधर से, हाँ इधर से पुल, इधर लिखा हुआ है पुल। अच्छा लॉक से इसमें जरा बस रखा हुआ, मस्त तो है यार, दिखने में तो मस्त लग रहा है वैसे ही, मतलब इतना खोलने के बाद ही मस्त लग रहा है। इसको रखते हैं साइड में और कुछ इस तरह से इसकी पूरी पैकेजिंग है। यहाँ पे माइक है स्टैंड के साथ, मैं यही स्टैंड अभी के लिए तो यूज करने वाला हूँ, अगर जरूरत पड़े तो बूम आर्म लूंगा बाद में, बट मुझे बूम आर्म इतना पसंद नहीं आता, वो ऐसे सब रहता है, तो ये मुझे ऐसे यूज करके देखना है पहले कैसा लगता है अपने सेटअप में और क्या मेरी प्रॉपर ऑडियो जाती है विदाउट बूम आर्म, थोड़ा डिस्टेंस में रहेगा क्योंकि स्टैंड यूज करने वाला हूँ, तो अगर ऐसे ही अगर चलेगा तो मैं यही स्टैंड यूज करने वाला हूँ, या तो फिर बाद में हम लोग बूम आर्म लेंगे। फिर बाद में ये वाला जो ये वाला इन्होंने देके रखा है, इसके साथ अगर हमें बूम आर्म यूज करना है तो ये उन्होंने ऑलरेडी अटैचमेंट देके रखा है, इसको हम लोग रख से साइड में। और भाई ये जो केबल है टाइप सी टू टाइप ए वाली केबल इन्होंने दी है, प्योर वाइट है एकदम, और ये ब्रेडेड केबल है, हाँ नहीं इसको भी खोल के देखा देता हूँ मैं तुम लोग को एक बार। यार ये सब चीजें पहले से खोल रखी है, फॉर श्योर खोल रखी है, ये देखो ये थैली मेरे को लग रही है, क्या सीन पता है, हाँ तो कुछ चीज तरीके से केबल है, काफी लंबी केबल है, तो मेरे सेटअप में तो वो अच्छे से आ जाएगी, मुझे कोई सीन नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात ये रहा माइक, कुछ इस तरीके से दिखता है, इसकी सारी चीज तुम लोग को ऑलरेडी पता होगी तो मुझे बताने की अलग से जरूरत है नहीं, ठीक है अभी इसको थोड़ा सा लुक देखते हैं मेरे सेटअप में ये चीज कैसी लगती है एक बार, ठीक है लेट्स गो। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है,
यहाँ पे हमने, मेरे को जगह ही नहीं मिली थी, कोई भी यूएसबी खाली नहीं था, तो हमने यहाँ पे एक यूएसबी हब लगाया है जहाँ पे कैमरा और वहाँ पे माइक का केबल अटैच किया है, और कुछ इस तरीके से इसकी आरजीबी दिख रही है, और ये टच सेंसर इसका इस तरीके से काम कर रहा है। चलो चालू तो हो गया है, अब इसका टेस्ट करता हूँ मैं और सेट करता हूँ स्ट्रीम के लिए। स्ट्रीम की ऑडियो क्वालिटी के हिसाब से तुम लोग जज कर सकते हो कि माइक कैसा है। मेरे हिसाब से तो मैंने जितने सारे रिव्यूज़ वगैरह देखे, मैंने वो सब देख के इसको बाय किया है, और मेरा ये फर्स्ट माइक है। मतलब इसके पहले मैंने माइक लिया था बहुत टाइम पहले, जो बोया MM1 था, बट वो मैंने स्ट्रीमिंग के लिए बहुत ही स्टार्टिंग टाइम पे यूज़ किया था। उसके बाद मैं हेडसेट का ही माइक यूज़ कर रहा था ऑलमोस्ट। तो देखते हैं अभी ये वाला माइक हमारे लिए कैसे काम करता है। तो देखने के लिए स्ट्रीम पे आना पड़ेगा, वहाँ पे आप लोग को दिखने मिलेगा कि कैसा वर्क कर रहा है ये इसका ऑडियो, और मिलते हैं स्ट्रीम पे। तो गाइज एक्चुअली मैं ये वाला माइक सीधा स्ट्रीम पे यूज़ करने वाला था, और वहाँ पे तुम लोग को अपनी ऑडियो की क्वालिटी सुनाने वाला था, क्योंकि मैंने सोचा था वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं डिटेल इसकी ऑडियो की मैं क्वालिटी के बारे में, बट ऑन स्ट्रीम सीधा तुम लोग को आवाज़ सुनाऊंगा। अभी सीन कैसा है ना, मैंने इसको अभी टेस्ट किया क्योंकि मुझे स्ट्रीम के लिए सब कुछ रेडी करना था, और मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ, क्योंकि देखो मेरा फ़ैन है यहाँ पे, और फ़ैन चालू रख के मैं स्ट्रीम करता हूँ, बिकॉज़ एसी नहीं है, तो फ़ैन तो एटलीस्ट फ़ैन लगता है क्योंकि पूरा रूम बंद रहता है, विंडोज़ भी ओपन नहीं रख सकते क्योंकि आवाज़ आता है माइक में, तो वो सब मेरे को बंद रखना पड़ता है, डोर भी बंद रहता है। तो मैंने देखा यार इस माइक में और इस माइक में अभी जो आप लोग को आवाज़ आ रही है वो वाली ना इस वाले माइक से आवाज़ आ रही है, तो एक बार हम लोग देख, मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों माइक में। मैंने दोनों माइक रखे हुए, देखो यहाँ पे मैंने ये वाला माइक सामने मेरे रखा हुआ है, ठीक है, जो हमारा 12,000 का माइक्रोफोन है भाई, 12,000 का पड़ा है मेरे को अमेजोन पे, ठीक है, और ये मेरे हेडसेट 2,000 का मिला है, ठीक है। अभी अगर इस हेडसेट की क्या देखूँ तो ये ना 1,000 रुपये का मिल रहा है, क्योंकि अभी सेल चल रहा है, ये वाला हेडसेट 1,000 में मिल रहा है, 999 में इसका प्राइस चल रहा है अभी, और ये वाला जो माइक है हमने इतना महंगा वाला हाइपर एक्स क्वाडकास्ट एस लिया हुआ है, काफ़ी बेहतरीन माइक, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं बहुत अच्छा नहीं, बट अभी के लिए मुझे या फिर मेरे सेटअप के लिए वो वर्थ इट नहीं लग रहा मुझे। दोनों में नॉइज सप्रेशन यूज़ करना पड़ रहा है मुझे ओबीएस में, बट इसमें मेरे को ज़्यादा बेनिफिट है कंपेरेटिवली हाइपर एक्स के बड़े वाले माइक में, क्योंकि यार मतलब इसको मैं बूम लगा कि इतना माइक मुंह पे सामने लगा और मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, मेरे को नहीं इतना अच्छा लगता, मैंने पहले एक बार यूज़ कर चुका बूम के साथ एक माइक, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा भाई मैं ये वो एक अच्छा सा हेडसेट में और एक इन्वेस्ट कर लूँ ना, जिसमें अच्छा खासा माइक है, इससे भी ज़्यादा अच्छा वाला माइक हो सकता है उसमें, क्योंकि अभी के लिए तो ये वर्थ इट नहीं है, लाइक मेरे सेटअप के लिए वर्थ इट नहीं है। ओवरऑल ये माइक वर्थ इट है, बट मेरे सेटअप में ये वर्थ इट नहीं है। अगर मेरा एसी होता रूम में और मेरे सेटअप में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती, तो 12,000 का माइक लेना वर्थ इट हो जाता है, बट इतने से सेटअप में 12,000 का माइक मेरे को वर्थ नहीं लगता। मैं तुम लोग को फिर भी इसकी ऑडियो क्वालिटी सुना देता हूँ, ठीक है, चेंज करके। अभी देखो मैं स्विच कर रहा हूँ, तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं तुम्हारे सामने एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखो मैंने अनम्यूट किया है, अभी आवाज़ आ रही है, ठीक है, अभी ये वाला माइक नहीं चल रहा है, ये वाला माइक चल रहा है, ओके। तो अभी देखो कैसी आवाज़ आ रही है इसकी, अगर तुम लोग को लगता है वर्थ इट है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मेरे को तो बिल्कुल मतलब डिसअपॉइंटमेंट फील हुई है इस माइक के साथ, तो देखते हैं। बाकी मैंने सोचा नहीं था मेरे को ऐसा वीडियो बनाऊंगा, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है एंड सजेशन भी है उन लोग के लिए, जो लोग अगर महंगा वाला माइक लेने का सोच रहे हैं, ये वाला माइक लेने का सोच रहे हैं अपने सेटअप के लिए, वो अपना सेटअप को देख के ये वाला मतलब महंगे वाला माइक ले, क्योंकि ये वाला माइक मेरे को लगता है अभी मोर देन इनफ है, अगर ऐसी क्वालिटी अगर मेरे को दोनों से मिल रही, तो ठीक है। तो फिर से मैं स्विच करता हूँ, तुम लोग को फिर से आवाज़ पता चल जाएगी किसमें क्या है। ऑलराइट, तो अभी ये वाला माइक फिर से स्विच हो गया है, और कोई भी फिल्टर्स मैंने चेंज नहीं करे, कोई भी चीज़ ज़्यादा चेंज नहीं करी, मैंने चेंज करके देख लिया दोनों का, अलग अलग सेट करके भी देख लिया, बट डिफॉल्ट फिल्टर्स मैंने ओबीएस के नॉइज सप्रेशन लगा के रखा है, और एक एक्सपेंडर और कंप्रेसर लगा के रखा है, दोनों का मैंने अलग अलग सेटिंग्स में भी यूज़ करके देख लिया, तो इस तरीके का मेरे को रिजल्ट मिला है, तो आप लोग देख लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम पे, वीडियो तो अभी यहाँ पे खत्म करते हैं। चलो मेरे को कमेंट में फिर भी बताना तुम लोग को क्या लगता है, मुझे तुम लोग को बताना है ऑन स्ट्रीम कि ये माइक कैसा काम कर रहा है, तो उसके लिए तुम लोग आना पड़ेगा स्ट्रीम पे, इसके वीडियो के बाद जो भी स्ट्रीम होगी उसमें तुम आ जाना। तो होपफुली ये वीडियो तुम लोग को पसंद आई होगी, हम लोगों ने बहुत ही नॉर्मल सा अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया है, पहली बार, एक्चुअली पहली बार नहीं बनाया अनबॉक्सिंग वीडियो, मैंने जब ये पूरा सेटअप बनाया था तब भी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था, बट उसको मैंने कभी अपलोड नहीं किया। तो लेट्स सी ये वाला वीडियो आप लोग को कैसा लगता है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग को अगर अनबॉक्सिंग वीडियोस पसंद आते हैं, जो जो चीज़ें मैं लेता रहूँगा इसके आगे से, तो मैं उस सब चीज़ों का वीडियोस बनाऊँगा, तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर स्ट्रीम पे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो या फिर स्ट्रीम की नोटिफिकेशन आ जाए। चलो मिलते हैं, बाय बाय।